स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड. बेटा, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, एंड वी हैव कंप्लीटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी मेटल्स की. वो लश्नरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये सारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल, इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती नहीं है. इस सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है. जैसे आपने रस्टिंग देखा होगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है, मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तभी तो रस्ट आती है. तो ऑक्साइड बनते हैं मेटल के. रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रिलीज करता है. कुछ मेटल नहीं भी करते हैं वाटर से रिएक्शन, लेकिन ज़्यादातर करते हैं. नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है, फिर मेटल रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. मेटल रिएक्ट विथ बेसिस, और जो नॉन मेटल है उनकी बेसिस के साथ रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. एक पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मेटल्स में होता है. वो एक मेटल को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है. तो ये सारी हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी. ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है. व्हेन आई विल टेक योर लाइव क्लास, शायद आई थिंक टुमारो वी हैव अ लाइव क्लास. ओके, तो उसमें हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे पता है आपको दिक्कत होगी, तो डोंट वरी फॉर दैट. हम आपका लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूजेज हैं. ठीक है, तो मेटल के क्या यूजेज हैं, आप अपने घर में देखते होंगे यूटेंसिल्स, जितने बर्तन होते हैं स्टील के, कॉपर के, ये सारे मेटल्स हैं. इंडस्ट्रीज में मशीनरी जो भी होती हैं सारी मेटल्स की होती हैं. तो घर में आपके डोर हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके, बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, आयरन है, कॉपर है, और ये सारी चीजें आपका स्टील है, ये सारा मेटल है. तो आप, देयर आर लॉट ऑफ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बहुत सारे यूजेज हैं नॉन मेटल्स के भी. जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम बिना नॉन मेटल के सांस ही लेते हैं. ऑक्सीजन इज अ गैस, दिस इज नॉट अ मेटल. तो वो हम ब्रीथिंग में काम करते हैं. पेपर है, वुड है, चॉक है. ठीक है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं. तो ये सारे यूजेस यू कैन राइट, कि अगर आप पॉइंट वाइज देंगे कि 5 यूजेज ऑफ मेटल एंड 5 यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, तो आप मेटल में लिख देंगे वी कैन यूज एज अ यूटेंसिल्स. मेटल्स वी कैन यूज एज अ यूटेंसिल्स, एग्जाम्पल स्टील है, कॉपर है. वी कैन यूज इन अ इंडस्ट्री लाइक मशीन्स, एग्जाम्पल है आयरन है आपका. तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं. नॉन मेटल में आप यूज लिख सकते हैं पेपर का, लिख सकते हैं वुड का, लिख सकते हैं सॉइल का, लिख सकते हैं ऑक्सीजन का, लिख सकते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. टूडे वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. ये आप एक बार इसका जो यूजेज है पढ़ लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको समझाई दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा. आज आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया है. सेकेंड थिंग, मैं अभी इसके बाद पीडीएफ भेज रही हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का पीडीएफ बना के भेजूंगी. यू हैव टू कम्प्लीट दैट पीडीएफ. वो पीडीएफ पूरा आप चैप्टर 4 कम्प्लीट कर लीजिएगा, और उसका जो आंसर शीट है जो आप आंसर करेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा. ठीक है, इस वीक शायद हम नहीं आएंगे, राखी है, तो आप अभी व्हाट्सएप पे मुझे सारा सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी. ये चैप्टर कम्प्लीट कर लीजिए. चैप्टर 3, चैप्टर 2 का टेस्ट हो चुका है, चैप्टर 3 जो है वो आप तैयार कर लीजिएगा. चैप्टर 3 आपका कौन सा था? चैप्टर 3 आपका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट आई है ऑलरेडी टेकन, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है फॉर टेस्ट. ये जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा इसी चैप्टर का होगा, ये आपको रिवाइज करना है और ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.